नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित बचराज आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल मामन सिंह मुरा ब्रीडिंग फार्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जो भी भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, आज हम अपने पशुपालक भाइयों से मिले थे, जो अपने डॉक्टर साहब हैं निट्टू जी, इनकी कंपनी है संजीन फीड। काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें फील्ड के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। तो आज डॉक्टर साहब आए थे और जो अपने फार्मर भाई हैं, आज हमने उनकी से मुलाकात करके जगह जगह पे गांव-गांव जाके जो संजीन फीड यूज कर रहे हैं उनकी डिटेल हमने फार्मर से बारीकी से ली है, क्या कुछ डाइट प्लान में वे अपने पशुओं को दे रहे हैं और कैसा रिजल्ट आ रहा है। तो नमस्कार जी डॉक्टर साहब। सबसे पहले मैं नमस्कार करना चाहता हूँ जी। तो दोस्तों, आज हम बागपुर गाँव में आए थे जो झज्जर में पड़ता है जी डॉक्टर साहब, और हमारे एक फार्मर है तो सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, मैं फार्मर से मिला था तो मैंने इनको क्राउन के बारे में बताया था, जो क्राउन फीड आती है हमारी मिल्किंग के लिए जी। तो सुरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। तो सुरेंद्र जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये फीड डालने से पहले आपकी घर दूध कितना दे रही थी? मेरा ये फीड डालने से पहले मेरे में दस किलो दूध। दस किलो दूध, हाँ जी, ठीक है जी। और फिर ये डालना शुरू किया। अच्छा, तो अब है 15 किलो। अच्छा, तो ये कितने दिन में मतलब आपको दूध में फायदा मिला सर, जो पशु आपने डाला? 6 दिन हो गए जी। 6 दिन में? हाँ। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा सर को, मैंने 5 दिन पहले बोला था कि आप ये क्राउन का बैग लेके आइए, क्योंकि इनकी भैंस दूध दे रही थी 10 किलो जी, और 5 से 6 दिन बाद इनको इसी भैंस पे 15 किलो दूध का बढ़त मिल गया। तो सर, ये फीड डाल के आप मतलब फायदे की तरफ कितना फायदा ले रहे हो? देखो, 5 किलो मेरा दूध बढ़ गया जी। जी जी। तो उसमें तो मान लिया मैं, देखो 70 के हिसाब से लगभग 350 रुपये, लगभग 350 रुपये का डेली का प्रॉफिट हो रहा है। अगर महीने की बात करें, इसकी कॉस्टिंग निकाल लें, तो मैं 10,000 के आसपास इनको फायदा हुआ है जी। और मैंने सुरेंद्र जी को बोला है कि ये पाड़ा है, इसी भैंस का पाड़ा है जी, इनके लिए भी ग्रोवर फीड यूज करें जी। ये पाड़ा भी अच्छी नस्ल का है और अच्छी ग्रोथ जाएगा जी। तो सुरेंद्र जी से यही बोलना चाहूंगा कि सर, आप को जो फायदा हुआ है और फार्मर को भी फायदा हो, तो आप सभी को इसके बारे में बताइए, क्राउन फीड के बारे में, ठीक है सर? तो सुरेंद्र जी, एक बार आप एक चीज और बताएं हमें, जो अपनी मैस ने 5 किलो दूध का अंतर दिखाया है, ये मैस अब फिलहाल कितने दिन की ब्याई हो चुकी है? ये 6 महीने की। 6 महीने की ब्याई, यानी बाखड़ी मैस ने 5 किलो दूध का अंतर दिखाया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, हम ये नहीं कहते आप लेके जाओ, लेकिन हम सिर्फ ये कहते हैं आप एक बार इस संजीन की जो क्राउन फीड है, एक बार अपने पशु पे आप जरूर यूज करके देखो। तो डॉक्टर साहब, और क्या कुछ कहना चाहोगे? बस मैं बात मैं कहना चाहूंगा जी, मेरे भैंस का रिजल्ट देख के मेरे दो पड़ोसी और हैं जी, जी जी जी, वो सैंपल लेके गए हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सभी फार्मर भाइयों से यही बोलना चाहूंगा कि जैसे सुरेंद्र जी को फायदा हुआ है, आप भी इस फीड को यूज कीजिए और आप भी पशुधन को बढ़ाएं, आपको भी ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होगा। क्योंकि आजकल गाँव में देखा है, लोग पशु कम करते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई हुई है, कोई दूध नहीं आ रहा है, पशुओं में बीमारी का कारण है। लेकिन आप इस फीड को यूज करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और अपने फार्म को बढ़ा सकते हैं। सुरेंद्र जी, आप ये बैग कहाँ से लेके आए थे? ये अपना बेरी है डॉक्टर साहब। अच्छा जी, उसके पास थी क्राउन, उसने मेरे को सलाह दी थी इसके बारे में जी। जी जी, उसके पास से बेरी। अच्छा, बेरी में जो डॉक्टर रोहित है, रोहिला मेडिकल स्टोर। हाँ जी। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप भी अगर आपके आसपास बेरी के आसपास के हो, तो बेरी में डॉक्टर रोहिला है, जिनका मेडिकल स्टोर है सरकारी स्कूल के पास, आप भी वहां जाके बैग लेके अपने पशुधन को बढ़ा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों। सुरेंद्र जी, आपको किसी प्रकार की कोई अपनी जो ये मैस है उसमें कोई खाने में कोई दिक्कत आई हो, आपका पशु इस फील्ड पे सेट नहीं हुआ हो, इस प्रकार की कोई दिक्कत आपके पशु के अंदर आई है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कितने फीड से इसको चालू किया है? मैंने शुरू में किया था, एक मान मुट्ठी लगा हुआ, लगभग 150-200 ग्राम फीड से शुरू किया, और फिर धीरे धीरे अब ये आपका पशु 5 से 6 दिन के अंदर जो 5 किलो दूध का अंतर दिखा है इसने, अब आप फिलहाल में इसको कितना फीड दे रहे हो? लगभग 3.5-4 किलो। 3.5 से 4 किलो दोनों टाइम का मिला कर, दोनों टाइम का। तो एक बार थोड़ा फीड अपनी मैस के आगे डाल के दिखाओ, ताकि जो हमारे फार्मर हैं, जो हमारे डेयरी फार्मर वाले भाई हैं, वो ये शंका में नहीं रहे। कई बार उनको ये रहता है कि भाई कहीं पशु अच्छे, ये देख सकते हैं भाई संजीन फीड को कितने राज्य हो गए पशु ये खा रहा है, किसी प्रकार की खाने पीने की इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, एक बार आप सभी भाई संजीन फीड को यूज करके देखो और जो भी रिजल्ट आए उसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय गोमाता।